Today we discuss the next topic, that means endoplasmic rectum. In the previous topic we should discuss the cell organelles, and it is the part of cell organelles. Firstly, endoplasmic rectum, and next we should discuss about the ribosomes, mitochondria, Golgi bodies and liposomes. And today we'll discuss only two topics, endoplasmic rectum and ribosomes and their functions. Firstly, what did you mean by endoplasmic rectum and right types and their function? बच्चे क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है, what did you mean by endoplasmic rectum, right its types and their functions. ठीक है, firstly देखो endoplasmic rectum. पहले सबसे पहले बेटा क्या होता है कि ये किसमें पाया जाता है, एक्रोटिक सेल्स में पाया जाता है. किसमें पाया जाता है, एक्रोटिक सेल्स में पाया जाता है. ठीक है बच्चे, और ये आरबीसी ऑफ मैमल्स और प्रोक्रियोटिक सेल्स में पाया जाता है. सॉरी, ये एब्सेंट होता है इनमें. ठीक है, और ये एब्सेंट होता है किसमें बच्चे, आरबीसी ऑफ मैमल्स मतलब रेड ब्लड सेल्स में एब्सेंट होता है और प्रोक्रियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है. ठीक है बच्चे, ध्यान रखना. ये मैं इरेज कर दूंगा. ठीक है, कोई नहीं, मैं आपको. एंड नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर है. स्ट्रक्चर पहले आप इधर से देख लो, एक ट्यूब लाइक वैसा इसका स्ट्रक्चर होता है. स्ट्रक्चर बड़ा इजी है, अगर एग्जाम में भी आ जाए तो बड़ा इजी स्ट्रक्चर होता है. ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर बनाना होता है. सबसे पहले क्या होता है बच्चे, मैंने बोला था न्यूक्लियस होता है. उसके बाद न्यूक्लियस का एक, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जिससे न्यूक्लियस कवर है, ध्यान से देख रहे हो, ये भी ट्यूब लाइक हो गया, इसे न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं. ठीक है बच्चों, और यहाँ जो आपको दिख रहा है ना बीच में, आपको छेद सा दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ पे इसे बोलते हैं न्यूक्लियर पोर बोलते हैं. और ये देखो, ये जो आपको बीच में दिख रहा है ना ये वाला, इसे बोलते हैं राइबोसोम्स. एक होता है बेटा स्मूथ एंडोप्लाजिंग रेक्टुलम जिसे SER बोलते हैं, और एक होता है रफ एंड एंडोप्लाजिंग रेक्टुलम जिसे RER बोलते हैं. ठीक है, याद रखना. पहले देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है. एंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम एज फाइन, बेटा इसका फाइन स्ट्रक्चर होता है, सच एज इट एग्जिस्टेंस इन द रिवील्ड ओनली बाय, और बच्चे इसके स्ट्रक्चर को सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही ऑब्जर्व किया जा सकता है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर बड़ा फाइन होता है. ठीक है, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकता है. और इसमें क्या होता है, इट इज इरेगुलर ट्यूब्स होता है लाइक ए नेटवर्क ऑफ डबल मेम्ब्रेन. ठीक है बच्चे, ये इरेगुलर ट्यूब्स के शेप में होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द, और ये पूरे साइटोप्लाज्म इन द सेल में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब फैला होता है. ठीक है, सम प्लेस, कुछ प्लेसेस में क्या होता है, इट कनेक्ट टू द सेल मेम्ब्रेन एट वन एंड एज वेल एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एट द अदर एंड. मतलब क्या होता है, कुछ प्लेसेस पे क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन के साथ भी कनेक्ट होता है और सेल मेम्ब्रेन के साथ भी कनेक्ट होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ भी कनेक्ट होता है. अब देखो बच्चे यहाँ पे, अब यही वाला प्लेस ले लो, इस वाले प्लेस पे, इस प्लेस में देखो बेटा, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन दिख रहा है इतना सा, इसका अंदर से भी कॉन्टैक्ट है और बाहर से भी कॉन्टैक्ट है, इसलिए ये बात इन्होंने बोला है, यहाँ पे दोनों तरफ से इसका कॉन्टैक्ट होता है. ठीक है, द थ्री पार्ट होता है इसमें बेटा, थ्री पार्ट्स होते हैं. पहले को बोलते हैं क्लोज फ्लूड फील्ड सैक्स बोलते हैं इसको, क्लोज फ्लूड फील्ड सैक्स, और नेक्स्ट है ट्यूबल्स वेस्कल्स. ठीक है बच्चे, ये तीन तरह के होते हैं. अब देखो बेटा, ईआर मेम्ब्रेन सिमिलर इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है बेटा, इनका स्ट्रक्चर भी सिमिलर इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा ही होता है. अब देखो बेटा, इसमें अब मैं एक को बोल रहा हूँ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टम, एक को बोल रहा हूँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टम, और पर ये बोल कैसे रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द राइबोसोम्स. मतलब अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट है या राइबोसोम्स एब्सेंट है, तो इसको दो टाइप के होते हैं, एक होता है SER और क्या होता है RER. ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टम क्या होता है, डस नॉट हैव राइबोसोम. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टम क्या होता है, राइबोसोम्स नहीं होता है, बट रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टम में राइबोसोम्स होता है. ठीक है बच्चे, इट इज फाउंड लाइक प्लाज्मा सेल, गोल्गी सेल्स और फाइब्रोब्लास्ट. ठीक है बच्चे, ये इसमें पाया जाता है. नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है, फंक्शन देखो, ये क्या होता है, स्पोर्टिंग फ्रेम वर्क प्रोवाइड करता है, मतलब सपोर्ट करता है सेल को, उसके स्ट्रक्चर को बनाए रखने में सपोर्ट करता है. ठीक है बच्चे, इट्स लार्ज एरिया इनसाइड द सेल साइड, और ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए साइट प्रोवाइड करता है, मतलब
ठीक है बच्चे, ये हेल्प करता है, हेल्प इट हेल्प इन द कीप वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स इन पोजीशन, काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनेल्स को उसको पोजीशन पर रखने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये एक्ट करता है एक पाथवे, मतलब एक तरह का पाथवे एक्ट करता है, जिससे ये क्या करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन करता है किसका, मटेरियल का, एक एक पाथ से दूसरे पाथ तक, ठीक है। और इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब सेल्स के अंदर ही जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है बच्चे, जैसे प्रोटीन हो गया, फैट्स हो, जो भी इनको चाहिए होता है, फूड मटेरियल हो गया सेल्स को, वो सभी ए प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो कहाँ होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टम के सरफेस पे होता है बाय राइबोसोम्स, वेयर जो लिपिड्स और स्टेरॉइड सिंथेसिस होता है वो कहाँ होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टम में होता है, ठीक है। सम सिंथेसिस जैसे कि प्रोटीन और लिपिड, एंडोप्लाज्मिक रेक्टम क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है बच्चे, इनकी इन प्रोटीन और लिपिड्स के सिंथेसिस होने में, ठीक है बच्चे। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अब आ सकता है डिफाइन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स इन ईआर, इन विद द हेल्प ऑफ ईआर इन द बिल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। सम अदर सिंथेसिस जैसे कि प्रोटीन लिपिड्स, ठीक है बच्चे, सम अदर सिंथेसिस जैसे कि प्रोटीन और लिपिड्स वो कहाँ होता है, ईआर फंक्शन होता है एज ए एंजाइम और हॉर्मोन, ठीक है बच्चे। एस ई आर सर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टम ऑफ लिवर ऑफ, ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टम लिवर से होता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मैनी पॉइजनस सब्सटेंस एंड ड्रग, हमारे बॉडी में से इनको निकालने में ये हेल्प करता है, ठीक है। इसका डिफरेंस बच्चे आपने खुद करना है, ईजी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स। राइबोसोम सबसे पहले बेटा डिस्कवर कब हुआ था, 1915 को बाय द रोमानियन सेल बायोलॉजिस्ट जॉर्ज एमिल प्लेट्स, यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने यूज़ किया था। सबसे पहले देखो क्या राइबोसोम्स होता है, ठीक है बच्चे, एक इसको बोलते हैं स्मॉल यूनिट, इसको बोलते हैं लार्ज यूनिट। अब ये साइज से ही पता लग रहा है स्मॉल और लार्ज क्यों बोल रहे हैं इसको, ठीक है बच्चे। ये मैसेजर ऑफ आरएनए, मतलब कि ये एक तरह का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए भी यूज होता है, मैसेजर आरएनए का, आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है बच्चे। और ये किसके साथ जुड़ा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टम के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। ये जो आपको चैन सा दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं मैसेजर आरएनए, ठीक है। सबसे पहले ये, अब ये होता क्या है, स्फेरिकल्स और ग्रेन्यूल पार्टिकल्स होता है, और ये डेंस होता है, डेंस मतलब गाढ़ा सा होता है, ठीक है। ये कहाँ मिलता है, एक्रोटिक प्रोक्रेटिक, ये दोनों में मिलता है, पिछला वाला सिर्फ एक्रोटिक और में मिलता था, ठीक है बच्चे, ये दोनों मिलता है सिर्फ, ये क्या होता है मैच्योर स्पर्म्स एंड मैमलियन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स में नहीं मिलता है, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा है, राइबोसोम्स एक्सट्रीमली ये काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है, और इनको भी देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी चाहिए, उसके अलावा इसे हम नहीं देख सकते, ठीक है ना। ये किसका बना होता है बेटा, आरएनए और प्रोटीन का बना होता है, और ये किसी भी तरह के मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता। इन प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स कहाँ मिलता है, वो साइटोप्लाज्म में मिलता है, राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म में मिलता है, और यूकैरियोटिक में क्या होता है, ये फ्री होता है, या तो ये साइटोप्लाज्म में मिलता है, या तो हमें क्या मिलता है, आउटर सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टम, ये कहीं दोनों में से कहीं भी मिल सकता है, ठीक है। फंक्शन क्या है, ये बेटा साइज प्रोवाइड करता है, ये भी हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस कर होने में, ठीक है बच्चे, सेल में, ठीक है। इसलिए बच्चे क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब यहाँ पे एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि किसे फैक्ट्री ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बोला जाता है, तो आपको पता होना चाहिए राइबोसोम्स को बोलते हैं, ठीक है, या प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल किसे बोला जाता है, एक नंबर में, ठीक है। यहाँ चार ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, इनमें से एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, ठीक है बच्चे, आज बेटा हमने इतना ही करना है। नेक्स्ट में हमने करना है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, ये तो आपको सबको पता होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, दैट मीन्स दे प्रोवाइड द एनर्जी टू वेरियस फंक्शंस इन द सेल, मतलब ये प्रोवाइड करता है एनर्जी किसको, सेल्स को अलग अलग वर्क करने के लिए, ठीक है। और देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये फाउंड और एरोबिक एक्रोटिक्स एंड एब्सेंट इन, ये बेटा सभी एक्रोटिक्स में मिलता है, और ये एब्सेंट होता है किसमें, मैमिलियन रेड ब्लड सेल्स में, ठीक है ना, एन एरोबिक प्रोटोजोन्स और प्रोकैरियोटिक्स में, ठीक है बेटा, सिर्फ एक्रोटिक सेल्स में मिलता है और एरोबिक एक्रोटिक सेल्स में मिलता है। और बेटा ये आपका काम है कि आपने ढूंढना है एरोबिक और एन एरोबिक का मीन्स क्या होता है, और ये आपने ढूंढना और मुझे लेक्चर में बताना है इसका मीनिंग ये क्या होता है, ठीक है, ना पता लगे तो मैं हूँ आपके लिए, ठीक है बच्चे। ये होता कैसे है, माइटोकॉन्ड्रिया बच्चे स्मॉल ग्रेन्युलस बॉडी होता है, और ये शेप अलग अलग होता है, रोड शेप भी हो सकता है, सिलेंडर स्फेरिकल शेप भी हो सकता है,
और ये थ्रेड लाइक होता है, ये थ्रेड की तरह होता है, ठीक है बच्चे। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अलग अलग माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल टू सेल, ठीक है बच्चे, डिपेंड अपॉन कितनी एनर्जी उसको नीड होती है उसके अकॉर्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो बाउंड्रीड होता है बेटा डबल मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है बच्चा, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के साथ, दो तरह मेम्ब्रेन होता है। अब ध्यान से देखो इसमें, अब क्या होता है इसमें देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया का है, अब ये देखो इसमें, अब ये F0 F1 पार्टिकल्स होते हैं बच्चे, ये तो आपको अभी नहीं पता लगेगा, ये सीनियर क्लासेस में जाके पता लगेगा कि एक्चुअल मीनिंग क्या है, इसके डिटेल्स क्या है, ठीक है। अभी जस्ट ऐसे याद कर लो, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये जो आपको वॉल दिख रहा है आउटर, ये इनर, और ये बीच में आपको थ्रेड लाइक दिख रहा है, इसे बोलते हैं DNA, और ये आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं व्हाइट कलर के राइबोसोम्स, ठीक है बच्चे। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं मैट्रिसेस, ठीक है बच्चे। अब देखो बच्चे क्या बोल रहे हैं कि द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, बाहर का मेम्ब्रेन स्मूथ होता है, पोरस, एंड दैट मेक्स द परमेबल टू नंबर ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड सॉल्यूट। मतलब परमेबल का मतलब क्या होता है कि ये एक तो ये स्मूथ होता है, बाहर का मेम्ब्रेन स्मूथ होता है, पोरस, पोरस मतलब कोई भी चीज के अंदर इजिली जा सकता है, ठीक है बच्चा। नंबर ऑफ मेटाबोलाइट्स और सॉल्यूट मतलब जो भी चीज अंदर मेन है, जो इसको वर्क करने के लिए जरूरी है, वो इन्हीं पोर्स के थ्रू इसके अंदर जाता है, ठीक है। द नंबर ऑफ मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल, सेलेक्टिव परमेबल का मतलब क्या है कि कुछ फिक्स चीजों को ही अंदर जाने देता है या वहां से बाहर आ जाता है, ठीक है। क्रिस्टलाइज इंक्रीज द, ये क्रिस्टलाइज क्या करता है बच्चे, ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ सर्वल टाइम्स देन द आउटर मेम्ब्रेन, और ये समटाइम क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है सरफेस, इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है, किससे, बाहर के सरफेस एरिया से भी, समटाइम ये बाहर के सरफेस एरिया से भी उसको ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, ठीक है। और देखो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन्स प्रोटीन लिपिड्स, उसमें DNA मिलता है, RNA होता है, ठीक है बच्चा, मैट्रिक्स के अंदर। द इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है बच्चे, ATP होता है, ATP एडोनिन ट्राईफॉस्फेट बोलते हैं, मैंने आपको पहले भी इसका डेफिने मीनिंग बताया हुआ है। ये एक्चुअल में बेटा क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, ठीक है। ATP, ये ATP सिंथेसिस होता है, और इस इनर मेम्ब्रेन में ATP सिंथेसाइज मशीनरी होता है, मशीनरी मतलब जो ATP को बनाता है टाइम टू टाइम, और यही ATP हमें हेल्प करता है और सेल्स को एनर्जी देता है, ठीक है बच्चा। ऑक्सीसोम्स बोलते हैं, और इसे ही F1 पार्टिकल बोलते हैं, या इसे ही क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस का मतलब होता है बच्चे अपने आप चलने वाला, सेमी मतलब थोड़ा ऑटोनोमस है, थोड़ा ये किसी की हेल्प से चलता है, ठीक है। दे कैन सिंथेसिस सम प्रोटीन्स देमसेल्फ बाय मल्टीपल डिवीजन, और ये कुछ प्रोटीन बनाता है मल्टीपल डिवीजन होने के साथ। नेक्स्ट इसका फंक्शंस, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, साइट ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन, सेलुलर जैसे हम सांस लेते हैं वैसे ये साइट प्रोवाइड करता है सेलुलर रिस्पिरेशन के लिए। और ये क्या है, दे आर मिनट बायोलॉजिकल फैक्ट्रीज, मिनट मतलब काफ़ी ज़्यादा छोटा, इतना छोटा है कि इसको ईजिली कोई भी माइक्रोस्कोप से देखा नहीं जा सकता, इसके लिए भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही चाहिए, जहाँ पे क्या बेटा फूड मॉलिक्यूल बनता है या तो एनर्जी बनाते हैं, किसके लिए बच्चे, ताकि सेल्स के अंदर एनर्जी दिया जा सके। और ये भी, ये हेल्प भी करता है बच्चे CO2 और H2O मतलब कि ट्रांसपोर्ट में और एनर्जी रिलीज करने में, ठीक है। और मतलब क्या है कि आपने अगर आपने अगर ऑक्सीजन लिया तो ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलना है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने का मतलब क्या है कि उसको एनर्जी में चेंज करेंगे, तभी तो वेस्ट मटेरियल जनरेट होगा, वेस्ट मटेरियल जनरेट का मतलब CO2 जनरेट होगा इन बिटवीन सेल में। ये सभी काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ATP सिंथेसिस भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होते हैं, और वो सभी तरह सेलुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट भी करता है और उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। और ये हेल्प करता है सिंथेसिस ऑफ सर्वल बायोलॉजिकल बायोकेमिकल लाइक साइटोसोम क्रोम्स स्टेरॉइड्स फैटी एसिड्स क्लोरोफाइल्स एंड फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट हमने जो गोल्जी बॉडीज है वो नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, ओके।